हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बुक्स एंड ऑथर्स। 2018 में जनवरी से दिसंबर तक जितने भी बुक्स एंड ऑथर हैं हम इस सिर्फ एक वीडियो में पढ़ेंगे। और बुक्स एंड ऑथर से 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो किताबें पूछी जाती हैं जो या तो न्यूज़ में होती हैं या रिसेंटली लॉन्च होती हैं, या कोई पुरानी किताबें जो अचानक न्यूज़ में आ जाती हैं। कई कॉन्ट्रोवर्शियल किताबें हैं तो ये सारी न्यूज़ में आती हैं। तो बुक्स एंड ऑथर्स पे क्वेश्चन हर एग्जाम में ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस एक ही वीडियो में हम पूरे साल के कवर अप कर लेंगे सारे बुक्स एंड ऑथर्स लेटेस्ट। तो शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव कोर्स उपलब्ध हैं विभिन्न एग्जाम्स के लिए। इनसे आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। सम ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज उन्होंने ये कोर्स तैयार किए हैं, जैसे UPSC, RBI ग्रेड बी, रेलवेज, SSC, JEE, बैंक PO, स्टेट PCS, UGC नेट वगैरह। अगर आप हमारा कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं studyiq.com। डेमो वीडियोस भी उपलब्ध हैं, वो आप जाकर हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं studyiq.com, और इस वीडियो का PDF भी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। सबसे पहली किताब है द कोलिशन ईयर्स। ये जो 1996 से लेकर 2012 तक की जो राजनीति है उस पर निर्भर ये किताब है। इसको हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लिखा है, और ये इनकी एक सीरीज़ है, उसका तीसरा पार्ट है। इनकी जो पहली किताब थी उनका नाम था द इंदिरा गांधी ईयर्स द ड्रामेटिक डेकेड। दूसरे पार्ट का नाम था द टर्बुलेंट ईयर 1980 से 1986। यानी स्टेप बाय स्टेप ये जो हमारे भारतीय राजनीति के कई सारे ईयर हैं, कई सारे जो टाइम इंटरवल हैं उनके बारे में अपनी राय दे रहे हैं। तो पहली बुक थी द इंदिरा गांधी ईयर, दूसरी थी द टर्बुलेंट ईयर, और तीसरी है द कोलिशन ईयर। नेक्स्ट है बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल। इसको रिलीज किया दीपिका पादुकोण ने, और इसके ऑथर हैं राम कमल मुखर्जी। जो हेमा मालिनी है जिन्हें ड्रीम गर्ल बोलते थे उनके जीवन पर ये किताब है। इंडिया 2017 ईयर बुक रिलीज करी राजीव महर्षि ने, और इसको लॉन्च किया, इसको कंपाइल करा है राजीव महर्षि ने, मतलब जो सारा डेटा है उसको कंपाइल करा है राजीव महर्षि ने, और इसको लॉन्च करा है राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने। ड्रीम नेशन यूजिंग अ कंट्री विद हैंड रिटन ड्रीम्स, इसको लिखा है साजी मैथ्यू और जूबी जॉन ने। इसको रिलीज करा मिथाली राज ने, जो इंडियन क्रिकेट टीम की, फीमेल क्रिकेट टीम की कैप्टन है, और अभी अभी तेलंगाना की सरकार ने इन्हें बेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला दिया है। इसमें APJ अब्दुल कलाम जी के जो इंस्पायरिंग वर्ड्स हैं, इंस्पायरिंग स्पीचेस हैं, उनके बारे में बताया गया है। लिंकन इन द बार्डो, इस बुक ने मैन बुकर प्राइज जीता 2017 के लिए। इसको लिखा है जॉर्ज सॉन्डर्स ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस तरह की जो बुक होती है जिनको अवार्ड मिलता है, खासकर बहुत बड़े बड़े अवार्ड जैसे मैन बुकर प्राइज इत्यादि। त्रिवेंद्र एक जिंदगी नामा, खैरा सेन का सूरज, ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके जीवन पर बुक है। इसको लिखा है नंदन सिंह बिष्ट ने, ये उनकी जीवनी है, उनकी एक त्रिवेंद्र एक जिंदगी नामा, उनका जिंदगी नामा है। बुक का नाम है खैरा सेन का सूरज। माजुली रिसोर्सेज एंड चैलेंजेस, तो माजुली जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया गया है। वैसे ये एशिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है असम में। और माजुली के बारे में, माजुली में क्या चैलेंजेस हैं, क्या संसाधन हैं, इस किताब को लिखा है संजीव कुमार बोरका कोटी ने। इम्परफेक्ट, ये आत्मकथा है मशहूर बल्लेबाज संजय मांजरेकर, अब ये कमेंट्री में भी काफ़ी नाम कमाया इन्होंने, संजय मांजरेकर की आत्मकथा इम्परफेक्ट। द हार्टफुलनेस वे, इसके ऑथर हैं कमलेश पटेल और जोशुआ पोलॉक। इसको रिलीज करा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। दिल्ली मेरी दिल्ली, बिफोर एंड आफ्टर 1998, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, उन्होंने ये लिखी है किताब दिल्ली मेरी दिल्ली। एग्जाम वॉरियर, इस किताब को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है, और पेंगुइन इंडिया नाम का जो बुक हाउस है उन्होंने इसको पब्लिश किया है। मेरे सपनों का भारत, इसको लिखा है तरुण विजय ने, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के सबसे अच्छे इंटरव्यू का संग्रह है। टू जो किताब है ये गुलजार साहब ने लिखी है। गुलजार साहब में वैसे तो उर्दू में लिखते हैं, ये उनकी पहली किताब है जो उन्होंने इंग्लिश में लिखी है। इसका जो हिंदी वर्जन है उसे बोलते हैं दो लोग। वाई आई एम अ हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूं, इसको लिखा है शशि थरूर ने, कांग्रेस नेता शशि थरूर, वाई आई एम अ हिंदू। अ सेंचुरी इज नॉट एनफ, माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस, इसके ऑथर हैं सौरभ गांगुली और गौतम भट्टाचार्य दोनों। इसमें सौरभ गांगुली के जीवन के बारे में है और कैसे उन्होंने सक्सेस अचीव करी। A century is not enough, my roller coaster ride to success. The ideology of India's modern right, यानी जो भारत में दक्षिणपंथी विचारधारा है जिसे बोलते हैं राइट विंग, उनकी जो विचारधारा है उसको दर्शाती ये किताब है द आइडियोलॉजी ऑफ इंडियाज मॉडर्न राइट।
इसको लिखा है बीजेपी के राज्यसभा एमपी सुब्रमण्यम स्वामी जी। एक किताब है द इंग्लिश पेशेंट, इसको लिखा है माइकल ओंडाटजे ने, और इस किताब को गोल्डन मैन बुकर प्राइज मिला है, यानी बुकर प्राइज जो मिलता है उसके 50 साल के इतिहास में सबसे सर्वश्रेष्ठ किताब ये है, इंग्लिश पेशेंट बाय माइकल ओंडाटजे, सुपर इंपॉर्टेंट बुक है ये। माजुली, माजुली असम का एक जिला है जोरहट, जोरहट से अलग करके माजुली को एक अलग जिला बना दिया गया था। माजुली एक टापू है, एक आइलैंड है ब्रह्मपुत्र नदी में। तो इसके ऊपर ये किताब है रिसोर्सेज एंड चैलेंजेस इन माजुली बाय संजीव कुमार बोरका कोटी, डॉक्टर संजीव कुमार बोरका कोटी ने लिखी है माजुली के ऊपर किताब। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन पर किताब है जिसका नाम है व्यक्ति नहीं संकल्प, व्यक्ति नहीं संकल्प, इसको लिखा है किशोर मकवाना ने। इंडियाज हेरिटेज ऑफ घराना म्यूजिक पंडित्स ऑफ ग्वालियर, जो ग्वालियर घराना है उसके जो बहुत बड़े बड़े विद्वान पंडित हुए हैं उनके बारे में किताब लिखी है मीता पंडित ने। अक्रॉस द बेंच इनसाइट इनटू द इंडियन मिलिट्री जुडिशियल सिस्टम, भारत की जो मिलिट्री जुडिशियल सिस्टम है उसके बारे में किताब है अक्रॉस द बेंच, इसको लिखा है लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञान भूषण ने। हिडन इंडिया, हिडन इंडिया में भारत की जो वाइल्ड लाइफ है जीव जंतु उनके ऊपर एक किताब है, इसको लिखा है लतिका नाथ ने। अ ट्रीटीज ऑन क्लेनलीनेस एंड वेस्ट मैनेजमेंट, आप जो कचरा प्रबंधन होता है वेस्ट मैनेजमेंट उसके ऊपर एक किताब लिखी है श्री रजत भार्गव ने, इसका नाम है अ ट्रीटीज ऑन क्लेनलीनेस। फ्लाइट्स, फ्लाइट्स किताब को मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज मिला है इस साल का 2018 का, इसको लिखा है ओल्गा टोकारजुक ने। ओल्गा टोकारजुक, कमेंट्स में लिख के ये बताइए ये कौन से कंट्री की हैं, ओल्गा टोकारजुक। द धोनी टच, महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर बिल्कुल लेटेस्ट किताब आई है द धोनी टच, इसको लिखा है पत्रकार और लेखक भारत सुंदरसन ने। सैफुद्दीन सोज कांग्रेस के नेता हैं, इन्होंने कश्मीर के ऊपर एक किताब लिखी है कश्मीर ग्लिम्सिस ऑफ हिस्ट्री एंड द स्टोरी ऑफ स्ट्रगल। जो एक्सिस सिक्योरिटीज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अरुण ठुकराल, उन्होंने किताब लिखी है योगी ऑन दलाल स्ट्रीट। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी साहब जो 10 साल तक हमारे उपराष्ट्रपति रहे, इन्होंने किताब लिखी है रिफ्लेक्शन ऑन कॉन्टेम्पोररी चैलेंजेस, किताब का नाम है डेयर आई क्वेश्चन, क्या मेरी क्वेश्चन करने की हिम्मत है, डेयर आई क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। अरुण शौरी, अरुण शौरी ने किताब लिखी है अनीता गेट्स बेल, अनीता गेट्स बेल। मशहूर शेफ मिशेलिन रेटेड शेफ जिनका नाम है विकास खन्ना, इन्होंने अपनी पहली फिक्शन किताब लिखी है जिसका नाम है द लास्ट कलर। दुनिया के जो 10 सबसे मशहूर सबसे बड़े शेफ हैं उनमें इनका नाम आता है विकास खन्ना का। एक किताब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी अभी इसका विमोचन किया, किताब का नाम है राष्ट्र पुरुष चंद्रशेखर, संसद में दो टूक, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर, राष्ट्र पुरुष चंद्रशेखर संसद में दो टूक, इसके संपादक हैं किताब के धीरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव। आदि शंकराचार्य के जीवन पर किताब लिखी है आदि शंकराचार्य हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ विचारक, हिंदुइज्म ग्रेटेस्ट थिंकर, इसको लिखा है पवन वर्मा ने। मोहनदास करमचंद गांधी की चंपारण डायरी, आपको बता दूं चंपारण सत्याग्रह पहला सत्याग्रह था, इसके ऊपर दो किताबें अभी लिखी गई हैं, एक का नाम है एम के गांधी की चंपारण डायरी जिसको लिखा है अरविंद मोहन ने, और दूसरी किताब है चंपारण आंदोलन के 100 साल, चंपारण आंदोलन 1917, इसको लिखा है आशुतोष पार्थेश्वर ने। पीर मोहम्मद मुनिस कलम का सत्याग्रही, इसको लिखा है श्रीकांत ने। माई जर्नी फ्रॉम मार्क्सिज्म लेनिनिज्म टू नेहरूवियन सोशलिज्म, मेरी जो यात्रा है मार्क्सवाद लेनिनवाद से लेके नेहरूवियन समाजवाद की तरफ, इसको लिखा है सी एच हनुमंत राव ने। करण थापर मशहूर जर्नलिस्ट जिनका एक शो आता था डेविल्स एडवोकेट, तो उसी के नाम पे किताब का भी नाम है डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी। कश्मीर के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई है द जनरेशन ऑफ रेज इन कश्मीर, यानी कश्मीर में एक ऐसी जनरेशन है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है सिस्टम से, इसको लिखा है डेविड देवदास ने। ईरान की एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग ताकतवर महिला जिनका नाम है महसी अलीन जाद, इन्होंने लिखा है द विंड इन माई हेयर माई फाइट फॉर फ्रीडम इन मॉडर्न ईरान, जो आधुनिक ईरान है उसमें स्वतंत्रता को लेकर मेरी जंग, द विंड इन माई हेयर, इसको लिखा है महसी अलीन जाद ने। पाकिस्तान के एक पूर्व जासूस हैं जिनका नाम है असद दुरानी, इन्होंने किताब लिखी है पाकिस्तान अड्रिफ्ट नेविगेटिंग ट्रबल्ड वाटर्स, पाकिस्तान अड्रिफ्ट नेविगेटिंग ट्रबल्ड वाटर्स, इसको लिखा है असद दुरानी ने। लैटिट्यूड्स ऑफ लॉन्गिंग,
इसको लिखा है शुभांगी स्वरूप ने, लैटिट्यूड्स ऑफ लॉन्गिंग, द ग्रेट इंडियन नेचर, ट्रेल विद अंकल बिक्की, ये किताब भी जीव जंतुओं के ऊपर है, इसको रोहन चक्रवर्ती ने लिखा है, वेद विज्ञान आलोक, इस किताब को लिखा है आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक ने, वेद विज्ञान आलोक, यह किताब बहुत इंपॉर्टेंट है हनीकॉम, क्योंकि इसको लिखने वाला भारत का सबसे कम उम्र का लेखक बन गया है और इसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आ गया है, असम का है ये बच्चा, इसका नाम है अयन गगोई गोहेन, इसकी किताब का नाम है हनीकॉम्ब। होम फायर, होम फायर किताब को वुमेन्स प्राइज भी मिला था बेस्ट किताब का फिक्शन के लिए, और इसको लिखा है कमीला शमसी ने। द हाउस ऑफ इस्लाम, बिल्कुल अभी अभी जुलाई में लिखी गई है, अ ग्लोबल हिस्ट्री, इस्लाम का इतिहास, द हाउस ऑफ इस्लाम अ ग्लोबल हिस्ट्री को लिखा है एड हुसैन ने। हैरी पॉटर की जो बुक्स लिखने से फेमस हुई हैं जेके राउलिंग, इनकी नई किताब है लीथल वाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लीथल वाइट। फिरोज वरुण गांधी, वरुण गांधी जो हैं मनेका गांधी के बेटे हैं, सुल्तानपुर से लोकसभा सांसद हैं उत्तर प्रदेश से, इन्होंने किताब लिखी है अ रूरल मैनिफेस्टो। इन्होंने ये कहा है कि जो भारत है उसका जो भविष्य है वो गांव में बसता है, यानी कि जो ग्रोथ होगी अगली, जो नेक्स्ट जो फ्यूचर है ग्रोथ का वो गांव से आएगा। अ रूरल मैनिफेस्टो लिखी है फिरोज वरुण गांधी ने। मनीषा कोयराला एक समय में और बल्कि आज भी संजू मूवी में भी आई थी, काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस थी ये। इन्होंने अपनी कैंसर से जो जंग है उसका जिक्र किया है इस किताब में, मनीषा कोयराला के जीवन पे लिखी गई किताब, इसको लिखा है नीलम कुमार ने। मैं रिपीट करता हूँ, किताब का नाम है हील्ड, हील्ड इसको लिखा है नीलम कुमार ने और ये मनीषा कोयराला की जीवनी है। सुधा मूर्ति की किताब है द अपसाइड डाउन किंग, द अपसाइड डाउन किंग, ये वाली जो बुक है 21 लेसन फॉर द 21st सेंचुरी, ये क्वेश्चन अभी अभी आया था NIRH के एंट्रेंस में, तो ये जो किताब है ये एक विदेशी ऑथर है युवल नोआ हरारी, इनकी किताब है 21 लेसन फॉर द 21st सेंचुरी। प्रियंका दुबे की किताब है नो नेशन फॉर वुमेन, यानी महिलाओं के लिए कोई भी देश नहीं है, ये बुक जो है भारत के ऊपर है और भारत में किस तरह से महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न और रेप वगैरह के मामले हैं उन पे नजर डालती है, नो नेशन फॉर वुमेन, प्रियंका दुबे। सुजाता गिडला की किताब है भारत में जो जात पात है, छुआछूत है, जो अनटचेबिलिटी है उसके ऊपर है ये बुक, सुजाता गिडला ने लिखी है, किताब का नाम है एंट्स अमंग एलिफेंट्स, हाथियों के बीच में चींटी। एक और किताब है इंपॉर्टेंट, शुभांगी स्वरूप ने लिखी है, इसका नाम है लैटिट्यूड्स ऑफ लॉन्गिंग, लैटिट्यूड्स ऑफ लॉन्गिंग। बाबा रामदेव के जीवन पर एक किताब है कि वो कैसे एक संत से बिजनेसमैन बने, ये किताब कई जगह बैन भी हो चुकी है, इसको लिखा है प्रियंका पाठक नारायण ने, प्रियंका पाठक नारायण, और किताब का नाम है गॉडमैन टू टाइकून, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ने अभी अभी एक वर्ल्ड हर्बल फॉरेस्ट बनाया है और ये हर्बल फॉरेस्ट बना है हरियाणा के मोरनी नाम की जगह पे, MORNI। सुधा मेनन की किताब है फीस्टी एट 50, फीस्टी एट 50, ये किताब जो है ये महिलाओं के जीवन में एक अलग अलग उम्र में महिलाएं किस तरह से सोचती हैं उसको उजागर करती है। शशि थरूर के द्वारा लिखी गई किताब है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, और इसी से मिलता जुलता नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक फिल्म बन रही है मनमोहन सिंह जी के जीवन पर, और वो लिखी है संजय बारू ने, संजय बारू, लेकिन पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर लिखी है शशि थरूर ने, और ये क्वेश्चन जो है DRDO एग्जाम में पूछा गया था। पैराडाइज टावर, पैराडाइज टावर नाम की किताब लिखी है अमिताभ बच्चन जी की बेटी हैं ये, इनका नाम है श्वेता बच्चन नंदा, श्वेता बच्चन ने लिखी है पैराडाइज टावर्स। सुशील कुमार मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं ये, इन्होंने लालू लीला नाम की किताब लिखी है, लालू लीला। बिल्डिंग अ लेगेसी, ये कहानी जो है ये जीवनी है, बेसिकली ये जीवनी है अनुमोलू रामकृष्ण की, और इसको लिखा है वी पत्ताभी राम ने, वी पत्ताभी राम ने अनुमोलू रामकृष्णा की जीवनी लिखी है जिसका नाम है बिल्डिंग अ लेगेसी। कोंकणी भाषाओं में कुछ छोटी छोटी कहानियों का संग्रह, ये लिखा है HM पर्नल ने, और किताब का नाम है बीग आने बिगत, बीग आनी बिगत। इस साल की सबसे इंपॉर्टेंट किताब, मैन बुकर प्राइज मिला इसे, ये है मिल्क मैन, इसको लिखा है एना बर्न्स ने,
किताब का नाम है मिल्कमैन एना बर्न्स और ये नॉर्दर्न आयरलैंड की है, उत्तरी आयरलैंड की है। महाराणा प्रताप जी के जीवन पर एक किताब लिखी गई है, महाराणा प्रताप द इनविंसिबल वॉरियर। इनविंसिबल वॉरियर मतलब अजय, एक अजय योद्धा। इसको लिखा है रीमा हुजा ने। जॉन सीना ये WWE यानी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के रेसलर हैं, पहलवान हैं। आपने इनको WWF में जरूर देखा होगा। इनकी किताब है एल्बो ग्रीज। एल्बो ग्रीज ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस, ये किताब स्टीफन हॉकिंग की है और उनके मरणोपरांत यह किताब रिलीज की गई थी। ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस। इंडियन स्पोर्ट्स कन्वर्सेशंस एंड रिफ्लेक्शंस, भारतीय जो खेल जगत है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पहलू उजागर करती है किताब। इसको लिखा है विजयन बाला ने। जैस्मिन डेज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है ये, लिखा इसको लिखा है बेनियामिन ने। और ये किताब जो है ये बेसिकली इस बारे में है कि वो भारत के लोग, खासकर दक्षिण भारत और दक्षिण एशिया के लोग जो मिडल ईस्ट में रहते हैं, मध्य पूर्व में, दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात में, सऊदी अरब में, कतर में, उनकी क्या सिचुएशन है, उनकी क्या हालत है, क्या वो जीवन से खुश हैं, तो उनको उजागर करती है किताब है जैस्मिन डेज। फ्री ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी, इसको लिखा है अरविंद पंगरिया ने। जो लोग नहीं जानते अरविंद पंगरिया कौन है, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष हैं ये, वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के अरविंद पंगरिया। फ्री ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी। न्यूज एक्स की एडिटर हैं प्रिया सहगल, इन्होंने किताब लिखी है द कंटेंडर्स हु विल लीड इंडिया टुमारो। 2019 में जो आम चुनाव होंगे उनके ऊपर ये किताब है द कंटेंडर्स। हाफ द नाइट इज गॉन, आधी रात जा चुकी है, इसको लिखा है अमिताभ बागची ने। बहुत इंपॉर्टेंट किताब AR रहमान के जीवन पर लिखी है अभी अभी कृष्णा त्रिलोक ने। इस किताब का नाम है नोट्स ऑफ अ ड्रीम। नोट्स ऑफ अ ड्रीम ये जीवनी है AR रहमान की, लिखी गई है कृष्णा त्रिलोक के द्वारा। द फायर बर्न्स ब्लू, जो भारत में महिला क्रिकेट का क्या इतिहास है, इसको दो लोगों ने मिलकर लिखा है, करुण्य केशव और सिद्धांत पाठक। किताब का नाम है द फायर बर्न्स ब्लू। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बैरक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा, इन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है बिकमिंग। बिकमिंग संत श्री आसाराम जी बापू के जीवन पर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है गॉड ऑफ सिन। इसको लिखा है उशीनोर मजुमदार ने। उशीनोर मजुमदार। योगा एंड माइंडफुलनेस, ये किताब लिखी है मानसी गुलाटी ने। योगा एंड माइंडफुलनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब, खासकर उन लोगों के लिए जो IB की तैयारी कर रहे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाना चाहते हैं। पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर बालकृष्ण कामत ने किताब लिखी है जिसका नाम है द वेलवेट ग्लव्स। अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है और IB की तैयारी कर रहा है उसको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। इसमें पूरा बताया हुआ है IB के बारे में, क्या होता है, कैसे काम लिया जाता है, किस तरह से, सब कुछ है इस किताब में, वेलवेट ग्लव्स। रेडियो कश्मीर इन टाइम्स ऑफ पीस एंड वॉर, रेडियो कश्मीर किताब को लिखा है राजेश भट्ट ने। बिट्रेयर ऑफ तेलंगाना, बिट्रेयर मतलब होता है जो धोखा देता है, तेलंगाना का धोखा, धोखेबाज, इसको लिखा है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव गौड़ा ने। नागालैंड नाम की किताब ये लिखी थी नवमलाती चक्रवर्ती ने और ये दोबारा छपने लगी है। वैसे तो किताब बहुत पुरानी है लेकिन न्यूज में आ गई तो ये आ सकता है। फेबल्स ऑफ फ्रैक्चर टाइम्स, ये लिखा है कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष तिवारी ने। फेबल्स ऑफ फ्रैक्चर टाइम्स ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन वानर द लेजेंड ऑफ बाली सुग्रीव एंड तारा, बाली सुग्रीव और तारा के जीवन पर किताब है वानर। इसको लिखा है आनंद नीलकंठन ने। और एक किताब और याद रखिए, आनंद नीलकंठन वही व्यक्ति हैं जिनकी किताब है द राइज ऑफ शिवागामी, जिसके ऊपर बाहुबली फिल्म बनी है। तो ये किताब भी याद रखिए, राइज ऑफ शिवागामी, उसको भी लिखा है आनंद नीलकंठन ने। ब्लू वाटर्स अहोय, इसको लिखा है वाइस एडमिरल अनूप सिंह ने। ये भारतीय नेवी के बारे में पिछले 10 सालों में क्या क्या हुआ है, 2001 से 2010, उसमें इंडियन नेवी के बारे में सब कुछ है इस किताब में, ब्लू वाटर्स अहोय। चेंजिंग इंडिया को लिखा है भारत के पूर्व दो बार प्रधानमंत्री रह चुके मनमोहन सिंह, चेंजिंग इंडिया, और इसमें 5 वॉल्यूम्स हैं। इसके अलावा दो किताबें और इंपॉर्टेंट हैं, एक है रेड बर्ड्स, लाल पक्षी, इसको लिखा है मोहम्मद हनीफ ने। और आतिश तसीर की किताब है द ट्वाइस बॉर्न, ये भी अभी अभी एक एग्जाम में पूछी गई थी, द ट्वाइस बॉर्न। ये कहानी है गंगा नदी की, गंगा नदी के किनारे, लाइफ एंड डेथ ऑन द गैंजेस। एक विष्णु जो भगवान है उनका 10वां अवतार जिसको बोलते हैं कल्की, तो कल्की नाम की किताब लिखी है केविन मिसल ने, ट्विंकल खन्ना की
मशहूर एक्ट्रेस इंटीरियर डिज़ाइनर अक्षय कुमार की वाइफ हैं, आप जानते होंगे। और इनकी दो किताबें पहले ऑलरेडी आ चुकी हैं, मिसेज फनी बोन्स 2016 में आई थी और 2017 में आई थी द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, ये इनकी तीसरी किताब है और इसका नाम है पायजामाज आर फॉरगिविंग। अटल जी इनका देहांत हुआ था 16 अगस्त को। इनके जीवन पर एक किताब है अटल जी ने कहा, इसको लिखा है ब्रिजेंद्र रेही। खालिद होसैनी जो काइट रनर और अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स जैसी किताब लिख चुके हैं, इनकी एक किताब आई थी पहले 2016 में एंड द माउंटेंस एकोर्ड, तो वो भी लिख चुके हैं। अब इनकी लेटेस्ट किताब आई है सी प्रेयर। हमारे कैबिनेट मंत्री हैं विजय गोयल, इन्होंने ये खेल मंत्री भी रह चुके हैं इससे पहले, इन्होंने किताब लिखी है बेबाक बात। एक किताब है जिसका नाम है ज्वेलरी। इसको डॉक्टर महेश शर्मा ने रिलीज करा। डॉक्टर महेश शर्मा हमारे संस्कृति के मंत्री हैं, मिनिस्टर फॉर कल्चर, तो इसको लिखा है गुलाब कोठारी ने, श्री गुलाब कोठारी। बनारस के घाट, बनारस में आप जानते हैं बहुत सारे घाट हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और अभी अभी मैं आपको बता दूं अलकनंदा नाम का एक लग्जरी क्रूज स्टार्ट हुआ है, ये जो 80 घाट है वहां से चलेगा और इसका उद्घाटन खिड़किया घाट पर किया गया, खिड़किया घाट बनारस में। तो बनारस के घाट किताब जो लिखी है वो लिखी है डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी। अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, जो हमारा सूचना प्रसारण मंत्रालय है उनके द्वारा कुछ ऐसी अनछुई बातें इस किताब में लिखी हैं कि हमारा सूचना प्रसारण मंत्रालय किस तरह से ग्रो हुआ, किस तरह से विकसित हुआ, उसी के ऊपर किताब है अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। इसको लिखा है डॉक्टर गौतम चटर्जी ने, हमारे सूचना प्रसारण मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर। एक बहुत बड़े कलाकार थे भारत के, आर्टिस्ट थे, जिनका नाम था गणेश पैन। के जीवन पर एक किताब लिखी है प्रणव रंजन रे ने, इसका नाम रखा है अ पेंटर ऑफ एलोक्वेंट साइलेंस। इसको लिखा है प्रणव रंजन रे ने और ये जीवनी है गणेश पैन की। डेजी जॉनसन, ये किताब 100% एग्जाम में आएगी और इसका कारण बताता हूँ। जो मैन बुकर प्राइज होता है, मैन बुकर प्राइज के इतिहास में डेजी जॉनसन सबसे कम उम्र की लेखिका बनी है जिन्हें मैन बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है, नामांकन मिला है। अब मैन बुकर प्राइज ये जीतती हैं या नहीं वो देखना होगा, लेकिन इस किताब का नाम है एवरीथिंग अंडर। इसको लिखा है डेजी जॉनसन ने। भारत की एक धाविका हैं जो 100 मीटर और 200 मीटर की रेस दौड़ती हैं, इनका नाम है डूटी चांद, उड़ीसा की हैं ये। इनकी जीवनी लिखी है संदीप मिश्रा ने। डूटी चांद की जीवनी लिखी है संदीप मिश्रा ने, इसका नाम है स्टोरी सो फार। काशी के काले मंदिर का रहस्य, काशी सीक्रेट ऑफ द ब्लैक टेम्पल नाम की किताब, ये लिखी है विनीत बाजपेयी ने। द ट्वाइस बॉर्न लाइफ एंड डेथ ऑन द गेंजेस, दो बार जन्म गंगा के तट पर, द ट्वाइस बॉर्न लाइफ एंड डेथ ऑन द गेंजेस, इसको लिखा है आतिश तसीर ने, ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियन सलमान तसीर के बेटे हैं। प्रीति शिनॉय ने किताब लिखी है द रूल ब्रेकर्स। भारत के संविधान के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनलाइजिंग इंडिया एन आइडिएशनल प्रोजेक्ट, इसको लिखा है श्री विद्युत चक्रवर्ती। शेड्स ऑफ ट्रुथ, अ जर्नी डीरेल्ड, पूर्व कैबिनेट मंत्री जिनका नाम है कपिल सिब्बल, इन्होंने इसको लिखा है शेड्स ऑफ ट्रुथ अ जर्नी डीरेल्ड, कपिल सिब्बल। एक्सपीरियंशियल लर्निंग गांधी जीज नई तालीम, इसको लॉन्च करा हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने, 13 भाषाओं में लिखी गई है ये। तो इसमें गांधी जी के ऊपर है ये किताब, गांधी जी की तालीम। हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, इन्होंने एक साल पूरे करे हैं उपराष्ट्रपति पद पर, तो उस उपलक्ष्य पर इन्होंने किताब लिखी है मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड वन ईयर इन ऑफिस, ये लिखी है वेंकैया नायडू ने। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व लेग स्पिनर शेन वॉन ने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है नो स्पिन। भारत के
मशहूर बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण, आपको पता होगा 281 रन इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए थे। सो 281 एंड बियॉन्ड इनकी आत्मकथा है वीवीएस लक्ष्मण की, 281 एंड बियॉन्ड। वीवीएस लक्ष्मण थे तेलंगाना के और अभी अभी आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना डेब्यू किया है, हनुमा विहारी। हनुमा विहारी आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी हैं। आंध्र प्रदेश के और भी खिलाड़ी हैं जैसे अंबाती रायडू, पहले थे एक एमएसके प्रसाद, 2000 में विकेट कीपर थे। आदि शंकराचार्य हिंदू धर्म के सबसे महान विचारक, इनके आदि शंकराचार्य जी के जीवन पे किताब है, इसको लिखा है पवन वर्मा ने, पवन वर्मा। वेल व्हेन कोल टर्न्ड गोल्ड द मेकिंग ऑफ अ महारत्न कंपनी, जो हमारी कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, तो ये किताब है जो कोल इंडिया लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन ने लिखी है। और व्हेन कोल टर्न्ड गोल्ड यानी जब कोयला सोना बन गया, तो इस किताब का नाम है द मेकिंग ऑफ अ महारत्न कंपनी। ये महारत्न कंपनी कैसे बनी, जो हमारी कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, ये कैसे बनी, उसके ऊपर पूरी किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इसको लिखा है पार्थ सारथी भट्टाचार्य ने। रामचंद्र गुहा बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, इन्होंने गांधी जी के ऊपर एक किताब और लिखी है। इनकी पहले ही गांधी जी के ऊपर बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं जैसे इंडिया आफ्टर गांधी वगैरह। अभी जो किताब लॉन्च हुई है वो है गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड, 1914 से 1948 तक का गांधी जी का सफर है इसमें। माइकल ओंडाटजे की किताब है वॉर लाइट, वॉर लाइट। ये माइकल ओंडाटजे वही लेखक हैं जिन्होंने इंग्लिश पेशेंट लिखी थी, सुपर इंपॉर्टेंट। माइकल ओंडाटजे की किताब वॉर लाइट। अ हाउस ऑफ इस्लाम अ ग्लोबल हिस्ट्री, हाउस ऑफ इस्लाम लिखी है एड हुसैन ने, एड हुसैन। सौरव गांगुली की तरह जीतो और उन्हीं की तरह सोचो और जीवन में सफलता पाओ, विनिंग लाइक सौरव, थिंक एंड सक्सीड लाइक गांगुली। इसको लिखा है अभिरूप भट्टाचार्य ने, अभिरूप भट्टाचार्य। अक्रॉस द बेंच, भारत की जो न्यायिक प्रक्रिया है, जुडिशियल सिस्टम जो हमारा है, मिलिट्री जुडिशियल सिस्टम, उसको उजागर करती, ये किताब लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञान भूषण जी ने लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एल्यूमिनियम द फ्यूचर मेटल, नालको कंपनी के चेयरमैन है ये, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है नालको, और ये एक सरकारी बहुत बड़ी कंपनी है। तो नालको कंपनी के चेयरमैन तपन कुमार चंद हैं, इन्होंने लिखी है एल्यूमिनियम द फ्यूचर मेटल, भविष्य की धातु है एल्यूमिनियम। और आपको बता दूं, इससे पहले इन्होंने किताब लिखी थी एल्यूमिनियम द स्ट्रेटेजिक मेटल, और अब लिखी है एल्यूमिनियम द फ्यूचर मेटल, तपन कुमार चंद ने। बाबा रामदेव के जीवन पर एक किताब है कि कैसे वो एक संत से एक बिजनेस टाइकून बने, बहुत बड़े बिजनेसमैन बने, पतंजलि के ओनर आचार्य बालकृष्ण के साथ। बाबा रामदेव के जीवन की कहानी, गॉडमैन टू टाइकून, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बाबा रामदेव, को लिखा है प्रियंका पाठक नारायण ने। सो ये थे कंप्लीट बुक्स एंड ऑथर्स पूरे एक साल के। मुझे खुशी है कि मैं पूरा जो इनका कंपाइलेशन है वो एक ही वीडियो में ला पाया, जिससे आपकी जो आने वाले एग्जाम्स की तैयारी है काफ़ी सुदृढ़ तरीके से हो सके। अगर आप क्विक रिविजन के लिए कोई वीडियो चाहते हैं या कोई PDF चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं studyiq.com। मैं जाने से पहले आपको याद दिला दूं कि हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पेन ड्राइव कोर्स आते हैं जिनसे आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। जिस तरह आपने इस वीडियो को देखा उसी तरह से पूरा सिलेबस वीडियोज़ देखकर, कंसेप्चुअल वीडियोज़ देखकर आप फिनिश कर सकते हैं और कॉम्पिटिशन में आगे निकल सकते हैं। अगर आप हमारा कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं या इच्छुक हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट करें studyiq.com। और अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है तो मेरे दो सवाल का जवाब दीजिए। ये बताइए, ओल्गा तोकारजुक के द्वारा लिखी हुई वो कौन सी किताब है जो चर्चा में रही, ओल्गा तोकारजुक। और दूसरा, बेबाक बात नाम की किताब कौन से भाजपा के नेता ने लिखी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।